आरोग्य सेतु ऐप जो कि एक लोकेशन ट्रैकिंग ऐप है और इसे लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण पाने के लिए। लेकिन इस ऐप के लॉन्च होने के कुछ समय के बाद से ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि इस ऐप को बहुत इजिली हैक किया जा सकता है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में ऐसा बताया था कि इस ऐप में यूजर्स प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं है, इसे बहुत इजिली हैक किया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इस बात का खंडन कर रही थी और बता रही थी कि ऐप बहुत ज्यादा सेफ है। लेकिन अभी रिसेंटली बैंगलोर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसे महज 4 घंटे में हैक करके दिखा दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी हैकर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, इनके बारे में बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं इसके पीछे इनका क्या इंटेंशन था, ये ऐप इन्होंने क्यों हैक किया। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताइएगा कि क्या सच में ये आरोग्य सेतु ऐप बिल्कुल भी सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और बात करते हैं इस आरोग्य सेतु ऐप के सेफ्टी के बारे में। दोस्तों जब इस आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था तभी ये वॉलंटियरी था, ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा इसे मैंडेटरी कर दिया गया है और सारे यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके इसे यूज करना पड़ेगा। इसी से कुछ लोग नाखुश हैं और इसके विपरीत कुछ स्टेप लेते हुए बैंगलोर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम है जय, इसे महज 4 घंटे में हैक करके दिखा दिए। लेकिन ये तो बात है एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो इस भारत सरकार के इस स्टेप से नाखुश हैं, इस मैंडेटरी करने वाले स्टेप से नाखुश है। और वो ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारे पास अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत सरकार जिस तरीके से इस कोरोना प्रक्रम में इस ऐप को मैंडेटरी कर रही है ये बहुत ही वाजिब है कि कुछ लोगों को इससे नाखुश भी हो सकते हैं और इसी क्रम में इन्होंने इस ऐप को हैक करके दिखाया। तो जय जो है वो 9 बजे इसे हैक करने के लिए बैठे और 1 बजे इसे हैक कर दिया और इसका प्रोसेस में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसे अपने स्मार्टफोन में उन्होंने इंस्टॉल किया और जितना भी डेटा मांगता है, चाहे वो आपका नाम हो, ट्रेवल हिस्ट्री हो, मोबाइल नंबर हो, जितना भी कुछ मांगता है उसे वो स्किप करते चले गए, वो कुछ भी नहीं दी और अपने तरीके से जो भी टेक्निकली वो इसमें यूज किए होंगे उस तरीके से इसे हैक करके दिखा दिए बिना कोई डेटा, बिना कोई इंफॉर्मेशन डाले हुए वो लास्ट स्टेप पे चले गए और दिखा दिया यू आर इन सेफ जोन, आप सेफ हैं। तो फिर इससे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है कि ये ऐप कितना सेफ है और गवर्नमेंट को भी इस पे बहुत अच्छे से अब तो ध्यान देना चाहिए, अब इस पे तो नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ये अभी भी सेफ है। लेकिन इससे पहले भी जाने माने फ्रेंच हैकर एलियट एंडरसन ने भी ये दावा किया कि इस ऐप को वो ऑलरेडी हैक करके दिखा चुके हैं और इसमें जो त्रुटियां हैं उसके बारे में कंसर्न अथॉरिटी से इनकी बात हो चुकी है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे अब काम करके इसे ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने इसे पूरी तरीके से खंडित किया था इस बात को और बोला था ये ऐप बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, जिस ऐप के बारे में भारत सरकार कंटिन्यूअसली ये दावा कर रही थी वो दावा खोखला निकला और इस ऐप को सिर्फ 4 घंटे में हैक कर लिया गया। तो आप समझ सकते हैं आपका इंफॉर्मेशन वाकई में इसमें सेफ नहीं है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और फ्लैगशिप जोन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।